ये कौन है? नहीं बेट, ये कौन है बच्ची? मौसी है। मासूम बच्चे की, जिसका एक साल का बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा, ये बेचारा रो रो के माँ को याद कर रहा है और माँ जेल में तड़प रही है, इसकी मदद कौन करे? ये आवाज मेरे चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाए तो मैं उनसे भी यही कहूंगा कि संभालो अपने कार्यकर्ता, ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा हो। तो उसकी माँ रो रो के ना मर जाए, कहीं बच्चा रो रो के ना मर जाए, क्योंकि माँ को जेल में डाल दिया गया है और बच्चा जेल से बाहर है, इसकी मदद कौन करेगा? हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना वायरस का डर है, कोरोना वायरस की महामारी बुरी तरीके से फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे में लोगों को अपनी खबर लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लड़ाई झगड़ों से भी फुर्सत नहीं मिल रही है, ऐसे माहौल में लड़ाई झगड़ने का भी वक्त निकाल लेते हैं। इनकी लड़ाई झगड़ों से इनको तो नुकसान होता ही है, लेकिन इनके साथ साथ जो इनके लोग जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान होता है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट के इलाके की घटना है जो बीते चार दिन पहले हुई थी, जहां दो पक्षों में लड़ाई हो गई थी। दो पक्षों में लड़ाई इतनी बड़ी कि पथराव तक की नौबत आ गई। उसके बाद दो पक्षों में से जो मजबूत पक्ष था, जैसा होता है, उसने कार्रवाई करी दूसरे पक्ष पर, और दूसरे पक्ष पर उसने रिपोर्ट लिखवाई। उस रिपोर्ट के आधार पर दूसरे पक्ष के तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई। यादव परिवार में गिरफ्तारी हुई, जिसमें पप्पू यादव के साथ सुनीता यादव और कमलेश यादव, इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारियां लड़ाइयों के बाद होती भी हैं और ये होता ही चला आया है, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है, सुनीता यादव जिस औरत की गिरफ्तारी हुई है और जिसको जेल भेज दिया गया है, उसका एक साल का दूध पीता मासूम बच्चा भी है। जब से माँ गई है उसका रो रो के बुरा हाल है, दूध भी नहीं पी रहा है क्योंकि वो माँ का दूध पीता है, अपनी मौसी के साथ निशांत है। जब इतनी नफरतें आपस में बढ़ जाती हैं तो मासूमों का क्या होगा? ना तो उस मासूम को उसकी माँ से किसी और ने मिलाने की कोशिश की, ना खुद पुलिस ही ने कुछ ऐसी दरिया दिल दिखाई कि उसकी माँ को छोड़ दिया जाए। इस मामले में एक पक्ष ने FIR करी, क्रॉस FIR भी नहीं हुई। ये कहाँ तक की बात है, ये कहाँ तक का इंसाफ है? लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में हर तरफ इसी तरह के लोग बसते हों, हर तरफ जुल्म ही जुल्मत हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनों के दिल में दर्द है, जिनके दिल में अभी भी प्यार बचा हुआ है। ऐसी ही मिसाल पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्ला ने दी। हाजी जमीरुल्ला ने निशांत से मुलाकात की, निशांत की फैमिली में गए। हाजी जमीरुल्ला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मुलाकात की और उनसे गुहार लगाई कि इस मामले में क्रॉस FIR भी होनी चाहिए, और उन्होंने ऐसी उम्मीद जगाई कि मासूम निशांत यादव अपनी मां सुनीता यादव से मिल सके। आइए सुन लेते हैं हाजी जमीरुल्ला इस विषय में। सुनीता क्या यादव का एक बच्चा है जो एक साल का है, एक साल का बच्चा है। वो किसके पास है बच्चा? वो बच्चा रो रो के परेशान है अपने घर पे, और उसकी माँ जेल पे है। सबसे बड़ी बात यह है, आज जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मैंने कप्तान साहब के सामने उसको पेश करने की कोशिश करी है। मैंने कप्तान साहब से कहा है, इस बच्चे की क्या गलती है बेचारे की, कि भाजपा के लोगों को इतनी तमीज नहीं है, भाजपा के लोगों को इतना ख्याल नहीं है, इस बच्चे का ख्याल रखने रहना चाहिए कम से कम। अरे भैया राजनीति कर लेना, लेकिन इस मासूम बच्चे की, जिसका एक साल का बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा, ये बेचारा रो रो के माँ को याद कर रहा है और माँ जेल में तड़प रही है, इसकी मदद कौन करेगा? मैं आपके जरिए भाई, आपकी मीडिया के जरिए मैं लोगों से यही अपील करूँगा और अधिकारियों से भी अपील करूँगा, और अगर मेरी आवाज़ मेरे चीफ मिनिस्टर तक पहुँच जाए तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि संभालो अपने कार्यकर्ताओं को, ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा हो गई है। आप क्या मांग करते हैं? उस महिला को छोड़ा जाए जेल से? मैं सिर्फ एक मांग करता हूँ,
ये जो बच्चा 1 साल का जिसका नाम ईशांत है, ईशांत यादव, उस बच्चे को अपनी माँ से मिलवा दिया जाए। 1 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि लड़ाई झगड़ा क्या होता है, 1 साल के बच्चे को नहीं मालूम कानून क्या होता है, उसको सिर्फ अपनी माँ चाहिए। माँ और कोई भी घटना का डर है आपको बच्चे या माँ के साथ? माँ हो सकता है बच्चा रो रो के मर ना जाए कहीं, मुझे इस बात का तकलीफ वो ख्याल है कि या तो उसकी माँ रो रो के ना मर जाए, कहीं बच्चा रो रो के ना मर जाए, क्योंकि माँ को जेल में डाल दिया गया है और बच्चा जेल से बाहर है, इसकी मदद कौन करेगा? अगर मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंसानियत के आते खुदा के नहीं है, ईशान यादव को उसकी माँ से मिला दिया जाए। उसकी माँ का नाम सुनीता यादव है, जो मात्र 22 साल की है, वो जेल चली गई। एसएसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन मुझे दिया? एसएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कप्तान साहब पर कि वो इसकी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने कहा मैं इसकी जांच करके इस बच्चे की इनकी मदद करूंगा, लेकिन ना तो इस परिवार की अभी तक कोई FIR हुई है क्रॉस, और ना इनकी कोई मदद हो रही। उनकी जानवर, दिनेश यादव के जानवर और बिट्टू यादव के जानवर और सुनील यादव के जानवर भूखे प्यास से तड़प रहे हैं अब उनके घरों पर, वो लोग सब भागे हुए हैं। अब बामुश्किल जब कप्तान साहब ने ये कहा है कि तुम अपने घरों पर जाओ, अब अरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन भाजपा के लोगों ने तरस नहीं खाया ईशान यादव पर भी। भाजपा के लोगों ने ये तरस नहीं खाया कि ईशान यादव की गलती क्या है, वो मात्र 1 साल का बच्चा जो अपनी माँ से अलग रहकर आज 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सोचो 1 साल का बच्चा बिना माँ के कैसे रह सकता है। मेरे भाई, मैं अगर आपके जरिए मेरी आवाज अगर आला अधिकारियों तक ये पहुंच जाए या भाजपा के बड़े बड़े नेताओं तक जो इंसानियत का दावा भरते हैं उन तक ये मेरी बात अगर पहुंच जाए और इसको अगर मिला दें, तो इससे बड़ा इंसानियत का काम कोई और नहीं हो सकता। वैसे ही हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया परेशान है, इस महामारी से लड़ रही है, और ऐसे में अगर हम लोग भी आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? कोरोना वायरस हजारों माओं को उनकी औलादों से जुदा कर चुका है, अगर हम आप भी ऐसा ही करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो भी यही अपील करता है, अगर मुमकिन हो तो निशांत को उसकी माँ से मिला दिया जाए। जितना कि उसकी माँ जेल में तड़प रही है, शायद उससे कहीं ज़्यादा निशांत यादव, मासूम 1 साल का बच्चा भी तड़प रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप क्या चाहते हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।